मलेक या हबीब अल्लाह। क्या आप हजरात को दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं है क्या? मैंने गुजारिश की, दुरूद शरीफ ही एक ऐसी चीज है जिसकी गारंटी है कि इसको कबूल होना ही होना है। आए हाय हाय हाय, ये गारंटी है। आपका कोई अमल कबूल हो चाहे ना हो, मगर दुरूद पाक की गारंटी है कि उसको कबूल होना ही होना है। आए हाय, तो कम से कम इस हवाले से तो दुरूद पाक पढ़ने आप। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहते सैयद अबरार नहीं लिख सकता, और नात लिखवाता है, नात लिखवाता है अल्लाह तो लिख लेता हूँ, वरना एक लफ्ज भी सरकार नहीं लिख सकता। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर कली गुलशन ईमां की निखर जाती है, नात पढ़ती हुई जब बादे सहर जाती है, और नात का शेर वही है जिसे आका सुन ले। ऐसा होता है तो तकदीर सवर जाती है। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।